भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में ये मान्यता पिछले काफ़ी समय से चल रही थी कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके कुछ कारण बताए गए, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देख करके भगवान शिव का वीर्य हो गया था, उनके वीर्य को पराद कहा गया और उनके वीर से ही बाद वीर ही से बाद में समस्त नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरि पुत्र भी कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन सशस्त्र मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। इनके दक्षिणी भारत में कई मंदिर हैं, इन्हीं से एक है प्रमुख मंदिर है सबरीमला। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 साल तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए। अयप्पा ने राक्षसी महर्षि का भी वध किया। अयप्पा के बारे में किंवदित है कि उनके माता पिता उनके गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांध करके उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वैराग प्राप्त हुआ तो वे महल छोड़ करके चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शतवतन का अवतार माना जाता है। भारतीय राज्य के केरला में सबरीमला अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह करके यहाँ एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमला का नाम शबरी के शब्द पर पड़ा, वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवदता भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखाई देती है, इसके साथ ही शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाला एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णव के बीच एकता कायम की, उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर पश्चिम घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सहद्रिता के बीच में स्थित है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक ठहरना मुश्किल होता है। यहाँ तक आने का एक खास मौसम होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रतम का पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर के प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार पंडलम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, वो महल छोड़कर चले गए। आज भी ये प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मंडलम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूक में रख करके एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमला पहुंचती है। और कहा जाता है कि इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतमाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखाई देती है। 15 नवाब का मंडलम और 14 जनवरी का मकर विल्कू, ये सबरीमला के प्रमुख उत्सव हैं। मलयालम पंचांग के पहले 5 दिनों और विशु माह यानी कि अप्रैल में ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर से सभी जाति के लोग
जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से 5 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर मनाही है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूरी पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पवन सीढ़ियों से पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहले 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है, इसके बाद वाले जो 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है, अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिर 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रख करके पहुँचते हैं। पोटली नवैद्य भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीज़ें, जिन्हें प्रसाद के तौर पर पुजारी घर ले जाने को देते हैं। इसे भरी होती है, ये मानता है कि तुलसी का रुद्राक्ष की माला पहन करके व्रत रखा और सिर पर नवैद्य रख करके जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तिरुवनंतपुरम से सबरीमाला के पंपन तक बस ये निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंपा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चल करके 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके सबरीमाला मंदिर में अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं।